अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं हमजा और हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको हमारे तरफ से प्यार सलाम। So guys, आज एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार किस्म का वीडियो है आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली पाकिस्तानियों ने बनाई है। मतलब पाकिस्तानी ना जो सर टीचर्स वगैरह होते हैं उनसे पूछा जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा शायद कि जो उनसे ना गूगल जो है इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट नहीं करता गूगल, मतलब इंडिया में $10 बिलियन क्यों इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कर रहा है बेसिकली। तो देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। ये बेसिकली वो होगा कि रिएक्शन कह लें या पब्लिक रिव्यू टाइप भी कह सकते हैं आप, क्योंकि टीचर्स होंगे तो ये वही चीज ही होगी। चलिए देखते हैं वीडियो और बाद में इस वीडियो पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको मजा आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है इन्होंने। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। कुछ अर्सा पहले सुंदर पिचाई हैज अनाउंस्ड दैट दे वांट टू इन्वेस्ट $10 बिलियन फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। टुडे आई एम एक्साइटेड टू अनाउंस द गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. God. I was very curious कि भाई पाकिस्तान में ये companies क्यों नहीं आ रही, India ऐसा क्या कर रहा है कि सारी की सारी बड़ी companies like Google, Amazon, Facebook ये सारी companies वहाँ पे जा रही हैं। पिछले 10-15 साल हमने बड़े challenging गुजारे हैं। As a country, PR was not just zero but purely negative. The absolute lack of data protection or data privacy, where is this data going, how is the government using this data, and what can the government do with this data? Yes, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विल थी कि उन्होंने अपने कंट्री को डिजिटाइज करना है, इसलिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया आधार। आधार जो उनका बायोमेट्रिक डिजिटल इंडेमनिटी प्रोग्राम है उसके थ्रू उन्होंने 1.2 बिलियन इंडियंस का डाटा कलेक्ट किया है। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि इवन फेसबुक और जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं वो भी इतनी जल्दी डाटा किसी भी जगह का कलेक्ट नहीं कर सके। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। हम हर चीज में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। सो इंडिया की इकोनॉमी डिजिटाइज किस तरीके से हो रही है उस पर मैंने रिसर्च की है, और पाकिस्तान इस वक्त किधर स्टैंड करता है वो आगे आपको मेरे इंटरव्यू में पता चलेगा बदर खुशनूद के साथ। इंडियन लोग जो अमेरिका में प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से पढ़े थे, उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि बाहर की दुनिया के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर सॉल्व्ड, बट देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया एंड देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। सो व्हाट दे डिड इज कि दे केम बैक टू इंडिया, उन्होंने आके अपनी कंपनीज बनाई, एंड जब उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई तो उनके जो इनिशियल एम्प्लॉयज थे दे ऑल्सो बिकेम एंटरप्रेन्योर्स एंड दे हैव स्टार्टेड देयर कंपनीज एज वेल। सेकेंडली लोगों ने इंडिया में एक और चीज रियलाइज की, पहले रुझान था कि हमने सिविल सर्विसेज में जाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, जिससे आज भी पाकिस्तान में हर बंदा सीएसएस करना चाहता है। सो उन्होंने किया ये कि जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चों ने आईटी और इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन की हैं और जो वो इनकम लेके आते हैं दैट इज मोर देन जो उनके पेरेंट्स अर्न करते हैं, तो पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ एंड पीपल स्टार्टेड इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रंस टू गो फॉर बैचलर्स और मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो इंजीनियर्स हैं उसका 25% इंडियंस है। जैसे जैसे इंडिया में आईटी और इंजीनियरिंग में काम करने के बाद लोग अमीर होते गए, उनकी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गई, एंड दैट गेव अनदर पैराडाइम शिफ्ट टू इंडियन सोसाइटी विद इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म बढ़ने की वजह से लोगों की एबिलिटी जो कंज्यूम करने की ज्यादा बढ़ी, उसमें हुआ ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुई, ओला, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम और बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड अबव ऑल इंडिया के अंदर दे हैव मोर देन 30 यूनिकॉर्न कंपनीज। यूनिकॉर्न कंपनीज मींस वो कंपनीज दैट हैज वर्थ मोर देन $1 बिलियन। और इस वक्त 300 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 50,000 से ज्यादा इस वक्त वहां पे स्टार्टअप्स ऑपरेट कर रहे हैं। फिर जब इंडिया इन दो फेजेस से गुजरा तो अब थर्ड स्टेज है जिधर आज इंडिया स्टैंड करता है। सो अब होता ही है कि इंडिया में जो बैंगलोर है वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। 1200 से ज्यादा एमएनसीज और स्टार्टअप्स जो सिलिकॉन में भी ऑपरेट कर रहे हैं वो उनकी रिसर्च इंडिया में होती है। जनरल मोटर्स, अडोब, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने R&D सेंटर्स इंडिया के अंदर खड़े किए हैं। इन सब फेजेस की कंप्लीट होने के बाद फेसबुक, गूगल, एमेजॉन,
जिन हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं वो इस स्टेज पे आई कि उन्होंने रियलाइज किया कि नाउ इंडिया हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन देयर इकोनॉमी एंड एक्सेलरेट द डिजिटाइजेशन प्रोसेस। ये आंसर है आपके इन सारे क्वेश्चंस का कि पाकिस्तान में क्यों नहीं ये कंपनीज आती और इंडिया में क्यों आई, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं। सो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? आई हैव नॉट डन रिसर्च ऑन इट एंड आई वांटेड टू इंटरव्यू समवन वेरी प्रोफेशनल हु हैव बीन वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर मेनी इयर्स एंड हु अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सिस्टम वेल। सो लेट्स गो एंड मीट बदर खुशनूद हु हैज वर्कड फॉर द कंट्री, अ कंसल्टेंट फॉर गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर, एंड ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ ब्रेमर्स विच इज अ वेरी फेमस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी। सो लेट्स गो एंड फिगर आउट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है। लेट्स गो। थिंक ऑफ कंट्रीज एज कंपनीज, ठीक है, एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। एज ए कंट्री हम पाकिस्तान पिछले 10-15 साल हमने बड़े चैलेंजिंग गुजारे हैं, जहाँ हमारी एज ए कंट्री पीआर वाज नॉट जस्ट जीरो बट प्योरली नेगेटिव। एक फर्क ये है कि उनकी जो एजुकेशन की जो फाइनल डिग्री जहाँ से आप ले रहे हैं, जो मास्टर्स वाले हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, वो दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड मेच्योर्ड। तो उनके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स इन इंटरनेशनल कंपनीज हमेशा से अच्छी रही, और उसकी वजह से आज इन बड़ी कंपनियों में जिनकी हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं उनकी सीनियर लीडरशिप में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा और जो है वो लोग वहां आ चुके हैं। सो दे आर इन अ डिसीजन मेकिंग लेवल जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के साथ क्या कंपेयर करना, ये जो हमने एक अपना बेंचमार्क बनाया, क्या वो ठीक होगा? तो हमारा जो अप्रोप्रिएट मैच बनता है उसको हम कहते हैं एप्ला, एशिया पैसिफिक लैटिन अमेरिका की मार्केट। सो द वियतनाम्स एंड द मलेशियाज एंड ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो एशियन टाइगर्स वाली हैं, और उधर से ब्राजील, कोलंबिया वगैरह, देयर आर वेरी चिली, ये सब हमारे बड़े मैचिंग प्रोफाइल्स हैं एज इकोनॉमी वाइज, एज आर स्टेटस वाइज, करेक्ट। हाँ, उनसे भी कंपेयर करें तो हम पीछे हैं, बिल्कुल उनसे भी कंपेयर करें तो हम पीछे हैं। और वही मैं आपको बता, और उसकी एक वन सिंपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से उसकी रीजन है, मे बी रॉन्ग बट मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि उसकी रीजन हमारी कंड्यूसिव पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड रूल्स वगैरह ना होना है। सो हमने बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, हमारा सबसे बड़ा वो चैलेंज रहा है। तो हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है कि लोग थोड़े से जो फ्रस्ट्रेटेड हैं फॉर सम रीजंस, वो मैं उस पर आता हूँ, वो अगर बाहर चले भी जाते हैं तो जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं या चीजें और बेहतरी की तरफ आती हैं तो यही लोग बाहर जाकर रियलाइज करते हैं कि ये वापस इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अपने मुल्क में, जो कि इंडिया में भी साइकिल हुआ, ये सारी दुनिया में इस तरह होता है कि जो एक्सपैट्रिएट्स जाते हैं जब वो एक स्टेज पे अर्न कर लेते हैं, दे ऑलवेज वांट टू कम बैक एंड इन्वेस्ट बैक इन देयर ओन कंट्रीज। गुड पॉइंट। सो याद रखें हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ रूम टू ग्रो फिर भी बहुत है, बहुत सारी जगहों में ये चीजें मैच्योर हो चुकी हैं, रूम टू ग्रो नहीं है, सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, देयर ऑलरेडी मैच्योर मार्केट्स। अगर आप कहीं यूथ है, बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर है जिसने अभी इंप्रूव होना है, जिसको अभी चीजें मिलनी है, जो पहली दफा फोन देख रहा है, उसने भी अमीर भी होना है, पैसे भी कमाने हैं, उसने चीजें खरीदनी भी हैं, घर भी बनाना है, उन सबको किसी ने आके चीजें बेचनी है, तो वही सारी ब्रांड्स पर आके यहाँ बेचते हैं, बेचना चाहते हैं। तो अगर हमने अपनी इकोनॉमी का साइकिल ठीक कर लिया, पहिया सही चला दिया, फंडामेंटल्स ठीक कर दी, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर की डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली चीजें ठीक करने शुरू कर देगी। सो एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट India's digitization of economy is booming and everything is going pretty well, but there are some issues. They have data of 1.2 billion Indian users, but wahan pe privacy of data and privacy laws ka bahut bada masla hai. So I've decided to interview Pranav Dikshit, जो कि BuzzFeed India के correspondent हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जो privacy laws का मसला है वहाँ पे कितना कुछ swear है और किस तरीके से वो problematic हो सकता है. So let's do it. The absolute lack of any kind of data protection or data privacy, every new company is coming and just sort of scooping up people's data. There's so many new apps and so many new services that launch every week, and you sign up with your phone number and you install these apps on your phone, and nobody actually reads the privacy policies and they actually agree, and especially in a country like India where most people can't read, there's a huge amount of illiteracy, people are not, most people are using phones for the first time in their lives, they are not
they are not savvy enough to even understand कि ये privacy क्या concept है या ये companies मेरा क्या data ले सकती है. So I think data protection and privacy is a conversation that we are not having enough. I mean, we are having it, but there's nothing, not much is being done about it, especially with, you know, huge companies like Jio, for instance, you know, which now I think Jio has almost 400 million subscribers in India. It's the country's largest telco, and they have all your data, like your internet service provider knows which websites you're accessing, what you're doing online. So I think that is, I think, a concern. And the second thing, I think, just sort of related to what we spoke about, is sort of the rise of right-wing nationalism and surveillance in India. That here is this government which is sort of a right-wing nationalist government. Now, you know, it's a government that is in no hurry to do a data privacy law or anything like that. It's a government that is building this nationwide facial recognition system, for instance. So the concern is, as millions of Indians are coming online and using all these digital services, where is this data going? How is the government using this data, and what can the government do with this data? Whether they want to use it for surveillance or to crack down on dissent or to silence critics who they don't like. So I think those are the sort of concerns that I think are emerging as we are going forward. It is very important to understand that the liberalization of policy infrastructure is very imperative for the growth of businesses. India has now more than 560 million cell phone users. 8.3 GB of internet is consumed by one individual in India. India ki fintech ki jo worth hai, that is more than $170 billion. जो उनका एजुकेशन सेक्टर है, जो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी $70 बिलियन से ज़्यादा इस वक्त वहाँ पे उसकी वर्थ है. एंड अबव ऑल, इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की जो वर्थ है, इट स्टैंड समवेयर बिटवीन $170 US टू $180 US बाय द एंड ऑफ 2025. The worth of Indian's digital economy will stand somewhere between $430 US billion to $450 billion. So ये तो बात होगी इंडिया की, but if we analyze the dynamics of Pakistan, on one hand हम ये सुनते रहते हैं कि जो हमारी growth है GDP की, जो per capita income है, वो बहुत कम है, और at the same time हमारे जो foreign reserves है वो depleted है. But I would like to give reference of another McKinsey report that says that by the end of 2026, there will be a fertile land on which entrepreneurial activities will be taking place. जिसका मतलब यह है कि बेशुमार enterprises बन रही होंगी और पाकिस्तान में business हो रहा होगा. So far, we have only 15 high-tech incubation centers, and there are somewhere between 750 to 800 startups operating in Pakistan. According to figures, 67% of startups form sustainability in terms of their operations and revenues. Also, the net worth of Pakistan e-commerce industry has already crossed $1 billion. इसका इंडिया के साथ कंपैरिजन तो नहीं है, मगर जिस तरह के हमने हालात गुजारे हैं, अब हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं. मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कहती है. इसके साथ साथ हम बहुत नेगेटिव न्यूज तो सुनते हैं, बट आपको ये जानकर शायद अच्छा लगे कि गवर्नमेंट भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स लेके आ रही है और बिजनेस कम्युनिटीज को और एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट कर रही है. एंड फॉर दैट रीजन द ग्लोबल ranking of Pakistan in terms of ease of doing business has jumped from 136 to 108. Jo badi badi companies are like Kareem, Uber, Airlift, Swell, Daraz, they have huge consumers in Pakistan. And the very reason is kyunki jo Pakistan ke andar compound annual growth rate hai of cellular data and mobile network, that is increasing by 5% every year. And by the end of 2025, there will be 700,000 households jo ke high income generate kar होगी और 2.1 मिलियन हाउसहोल्ड्स होंगे जो कि मिडिल क्लास इनकम जनरेट कर रही होगी. ऐसे जब भी हमें डाटा मिलता नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. So guys, ये वीडियो था और बहुत ही जबरदस्त किस्म का वीडियो था. सही बात है, जहाँ ये बात कर रहे थे कि इंडिया के बारे में, भाई कुछ ना कुछ पाकिस्तान के बारे में बता रहे थे. इंडिया स्ट्रगल कर रही है, बेसिकली कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन बनता नहीं है. हम जिस तरह के हालात से गुजरे हैं, वैसे
एक जायजा ले रहे हैं तो इंडिया क्यों आगे जा रहा है और पाकिस्तान क्यों जरा इतना काफी पीछे है इसमें आईटी की इंडस्ट्री में, क्यों आखिर गूगल जो है इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहा है और गूगल अमेज़न फेसबुक यार इस चीज के ऊपर कि दुनिया में जितने भी इंजीनियर है उनका 25% इंडिया में है। ये बहुत ही आपके लिए गर्व की बात हो सकती है मेरे ख्याल से होगी। 25% इंजीनियर्स जो है वो इंडिया के हैं तो पूरी दुनिया के 25% इंजीनियर्स, तो ये काफी बड़ी बात है। हर कंट्री के मेरे ख्याल से 10-15 इतने इससे ज्यादा नहीं होते होंगे, लेकिन इंडिया के 25% है तो ये काफी बड़ी बात है। देखिए इंजीनियर्स जो होते हैं इसके इससे मुराद वो कारीगर और हुनरमंद इंसान जो होता है ना वही इंसान बेसिकली अपनी कौम को आगे लेके चलता है। और 25% अगर इंजीनियर हों पूरी दुनिया के तो ये काफी बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि आप कुछ भी नई चीज या कुछ भी बनाते हैं और आपको इंजीनियर की जरूरत होती है। और आप वो हम देख रहे थे ना अर्दुगल, तो उसमें यही कह रहे थे कि जो शख्स जो कौम अपने कारीगरों की जो है ना क्या कहते हैं देखभाल नहीं कर सकती तो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अब देखिए मुराद इंजीनियर ही है। अगर आप 100 इंजीनियर्स को बुलाएंगे तो उसमें से 25 इंजीनियर होंगे अगर बाहर के मुल्क में या कहीं पे बड़ी सी आपने को बिल्डिंग बनानी है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए बहुत अहम है इंजीनियर्स। सही बात है, मुझे यकीन है जहाँ पर भी बिल्डिंग बनती होगी बाहर के मुल्कों में तो वहाँ पे कम से कम भी 25% इंजीनियर होते हैं। देखो ना आईटी हब जो बना हुआ है बेंगलुरु, ठीक है, और उसके अलावा देखो इतना 1.2 बिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के। सही बात है, ये भी बड़ा कमाल है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। 1.2 बिलियन तकरीबन 40 बिलियन उनकी टोटल है और 1.2 बिलियन उनके यूजर्स हैं। 1.40 बिलियन उनकी टोटल है ना पॉपुलेशन। 1.2 बिलियन अगर आपके इंटरनेट यूजर हैं तो फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ना, ये कमाल की बात है। इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं उन्होंने इस वीडियो में, जिसको देख के हम हैरान हो गए कि ऐसा भी होता है इंडिया में, ऐसा है। और कुछ उन्होंने ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है और 2026 तक सुना है कि जो सी आईटी का 450 बिलियन डॉलर 200 से जो बजट हो जाएगा 200-250 से 450 तक जाएगा, तो ये वर्थ हो जाएगी, बेसिकली डबल हो जाएगी वर्थ। तो ये अभी 170 बिलियन है बिलियन डॉलर, पाकिस्तान की कितनी है 1 बिलियन डॉलर, बहुत कम है, बहुत ही कम है, सोच नहीं सकते इतना कम है। सो गाइज ये थी वीडियो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज बेल आइकन को भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें। एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।